हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मेरे बारे में जानना चाहोगे तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम वापस आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन साउथ इंडियन एडवेंचर ड्रामा फिल्म के साथ, जो कि कनाडा लैंग्वेज में रिलीज हुई थी। मूवी का नाम है 777 चार्ली, जिसे डायरेक्ट किया है करण राज के ने। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.8 स्टार आउट ऑफ 10। अगर आप एक डॉग लवर या फिर एनिमल लवर हो तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी में हमें डॉग की उसके ओनर के प्रति लॉयल्टी, सच्चा प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में देखेंगे। स्टार्टिंग में ये मूवी तो काफी ज्यादा कॉमेडी से भरा हुआ लगता है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये मूवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जो कि हमें एक डीप मैसेज देती है। प्यार और भरोसे के सहारे हम अपनी दुनिया जीत सकते हैं। सो इस मूवी की स्टोरी लाइन पूरी जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। एक्सप्लेनेशन में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखने के बाद लाइक जरूर करें और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को बोलते हुए सुनते हैं, अगर आप लकी हो तो आपके लाइफ में आपका दिल जीतने के लिए डॉग आएगा और आपका लाइफ बदल देगा। इसके बाद हम एक छोटे से पपी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा दिल खुश होता है और अपना केस तोड़ के वहाँ से भाग जाता है। एक्चुअल में एक ब्रीडर ने उसे अपने पास कैद करके रखा था। वो पपी इधर उधर घूमते घूमते दूसरे शहर तक आ पहुँचता है। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर यानी धर्मा को देखते हैं, जो कि अकेला रहता है। ना उसके साथ कोई फैमिली है, ना उसके कोई फ्रेंड है, ना वो किसी से कोई रिश्ता रखता है। उसके लाइफ में कोई भी डिसिप्लिन या गोल नहीं है। वो खुद को मोटिवेटेड रखने के लिए बुक्स तो ले आता है, पर उसे वो नहीं पढ़ता है। उसके हर एक दिन का सेम रूटीन है, सुबह उठ के नहा के फैक्ट्री में काम करने चले जाना, और वहाँ भी जाके वो किसी से बात नहीं करता है। इसी कारण दूसरे लोगों को उसकी लाइफ के ऊपर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। उसके बारे में उसके कलीग्स या उसके मोहल्ले वाले काफी चर्चा करते हैं, पर इससे धर्मा को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कि वो लोग आके उसके मुंह पर ना बोले। वो ना कभी किसी का मदद करता है, ना ही कभी किसी से मदद लेता है। उसके हिसाब से जैसा भी उसका लाइफ है वो एकदम परफेक्ट है। वो काम से घर आता है, खाना खा के सब कुछ वहीं छोड़ के टीवी देखते हुए सो जाता है। पर एक दिन उसके मोहल्ले में ऑर्केस्ट्रा वाले आते हैं और देर रात तक गाना बजाते हैं। धर्मा सो नहीं पाता तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो वहाँ जाके एकदम से तोड़फोड़ मचा देता है। हम देखते हैं कि धर्मा से सभी लोग काफी डरते भी है। वहीं पर हम वो छोटे से पपी को देखते हैं, जो कि धर्मा को देख के उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। उसी रात जैसे ही धर्मा सोता है तो उसे अपने बचपन की झलक आती है, जहाँ पर हम धर्मा के फैमिली को देखते हैं। उसका एक हैप्पी फैमिली था, जिसमें उसके माँ, पापा और एक छोटी सी बहन थी। सिंगिंग कंपटीशन के लिए उसके पेरेंट्स और उसकी बहन एक जगह जाते हैं, पर धर्मा घर का देखभाल करने के लिए घर पर ही रहता है। तभी अचानक पैनिक अटैक से धर्मा का नींद खुल जाता है। रोज के जैसे धर्मा काम पे जाता है और वहाँ से लौटते वक्त वो एक दुकान पे जाता है खाना लाने के लिए। उस दुकान को एक बुजुर्ग दंपत्ति चला रहे थे, जिनका बेटा पढ़ाई करने के लिए सालों पहले अमेरिका तो गया है, पर उसके बाद उसने अपने माँ बाप से कांटेक्ट करना ही बंद कर दिया है। बेटे के परवरिश में ये लोग अपना सब कुछ बेच चुके थे। वो बुजुर्ग महिला हमेशा धर्मा को अपने बेटे जैसा ट्रीट करते थे। जब भी धर्मा 20 रुपए का खाना लेता था तो वो उन्हें ज्यादा खाना देती थी। पर अकेले रहते रहते धर्मा के अंदर ये सब की फीलिंग्स नहीं था। वो हमेशा ही एक्स्ट्रा खाना को फेंक देता था, पर अब वो खाना वेस्ट नहीं होता था। वो पपी छुप छुप के उस खाने को खा जाता था। अगली रात धर्मा को फिर से बचपन के सपने आते हैं, जहाँ वो देखता है कि उसी रात को जब उसके मम्मी पापा उस फंक्शन से लौट रहे थे, बहुत बारिश के कारण रोड पर कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा था। तभी उनके गाड़ी के आगे एक डॉगी आ जाता है। जिन्हें बचाने जाते हैं तो उनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है, और तभी से धर्मा ऐसे ही अकेले रहने लगा है। सपने से वो प्रेजेंट में आता है तो उस रात भी बाहर बारिश हो रही होती है। उसे एक पपी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो घर के बाहर जाके चेक करता है। उसके गेट के पास वो छोटा सा पपी बैठा हुआ होता है। धर्मा उसे डांट कर भगा देता है, पर वो पपी नहीं जाता। अगले दिन जैसे ही धर्मा अपना गेट खोलता है, वो पपी वहीं पर बैठा हुआ होता है। धर्मा को समझ में नहीं आता है कि ये पपी उसका पीछा क्यों कर रहा है। ऐसे एक दिन जब वो छोटा सा पपी उसका पीछा कर रहा होता है और रोड क्रॉस करने जाता है, तो उसकी एक्सीडेंट हो जाती है।
आसपास के सभी लोग आके उस बाइकर को बचाते हैं जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ था, पर उस पपी को उठाने कोई नहीं आते। वो पपी दर्द से तड़प रहा था। वहीं पर एक छोटी सी बच्ची उस पपी को देख रही होती है। धर्मा के अंदर ये सब कुछ देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो इस बार खुद को नहीं रोक पाता। वो उस पपी को अपने बाइक में बिठा के अपने साथ वेट के पास ले जाता है। वो डॉक्टर धर्मा को कहते हैं कि पपी की हालत ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक उसे उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। धर्मा उस पपी को अपने साथ नहीं रखना चाहता था, तो वो डॉक्टर से कहते हैं कि उसके एडॉप्शन के लिए कुछ लोग देखें। डॉक्टर उसकी बात मान जाता है और कहता है कि जब तक एडॉप्शन के लिए कोई नहीं आते, तब तक तुम इसे अपने पास रखो। धर्मा उस पपी को छुपा के अपने साथ अपने घर ले आता है, क्योंकि उसके कॉलोनी में डॉग पालना अलाउ नहीं है। पर वो छोटी सी बच्ची वो देख लेती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि धर्मा ने उस पपी को बचा लिया था, तो वो किसी को इस बारे में नहीं बताती है। वो छोटी सी पपी अब घर के अंदर ही खेलने लगती है और उसके घर के हर एक चीजों को इधर उधर करने लगती है। आधी रात का भी भौंकने लगती है और धर्मा को भी ठीक से सोने नहीं देती है। वो इस सब से परेशान हो जाता है, तो वेट को वापस से कॉल लगाता है, पर वेट उसे कहता है कि अभी तक एडॉप्शन के लिए कोई भी नहीं आए हैं। इसके पीछे का रीजन वो डॉक्टर बताते हैं कि वो पप्पी काफी ज्यादा दुबली पतली है, इसलिए कोई भी उसे अडॉप्ट करने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। अब धर्मा उसे डॉग फूड खिला के काफी हेल्दी बना देता है। फाइनली अब उसे अडॉप्ट करने के लिए एक फैमिली आते हैं, पर वो आके देखते हैं कि वो पप्पी काफी ज्यादा शैतान है। वो बदमाशी करके पूरे घर को गंदा करके रखा है। ये देख वो उसे लिए भी नहीं वहाँ से चले जाते हैं। धीरे धीरे मोहल्ले वालों को भी इस पपी के बारे में पता चल जाता है, तो वो सभी धर्मा को आके कहते हैं कि यहाँ पर कुत्ते पालना अलाउ नहीं है, ये हमारे सोसाइटी के बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। वो उन्हें और कहते हैं कि अगर तुमने इस पपी को नहीं निकाला तो तुम्हें इस सोसाइटी से हम लोग निकाल देंगे। धर्मा को इस बात से काफी गुस्सा आता है, तो वो उन्हें कहते हैं कि ये घर भी मेरा है, ये मोहल्ला भी मेरा है और ये डॉगी भी मेरा है, अगर किसी को भी कुछ कहना है तो आगे कह सकते हैं। सभी लोग डर के वहाँ से चले जाते हैं, ताकि उस डॉगी के अच्छे घर में एडॉप्शन हो। उसके लिए धर्मा एक लाइसेंस बनाने जाता है। वहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम देविका है। वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड में काम करती थी। जब वो धर्मा से उस पपी का नाम पूछती है, तो धर्मा उसका नाम बताता है। वो उसे और पूछती है कि तुम इसे खाने में क्या खिलाते हो, तो धर्मा कहता है कि मैं उसे खाने में इडली खिलाता हूँ। ये बात सुन के उस लड़की को लगता है कि शायद धर्मा उस डॉगी का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा है। वो धर्मा को उसका लाइसेंस तो दे देती है, पर अगले ही दिन वो धर्मा के घर चेक करने आ जाती है अपने टीम के साथ। वो धर्मा को कहती है कि हम देखने आए हैं कि आप का कैसे ध्यान रख रहे हैं। वो लोग बहुत ही मुश्किल से उस डॉगी का हेल्थ चेकअप करके वहाँ से चले जाते हैं। डॉगी के शैतानी से परेशान होकर धर्मा उसे डांट लगाता है। उसी टाइम वो बेहोश होकर गिर जाता है। धर्मा को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, तो वो डॉगी भी उसके पीछे पीछे हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा स्मोकिंग करने के कारण धर्मा को पैनिक अटैक आया था। ये बात वो डॉगी भी सुन लेती है। धर्मा के घर जाने के बाद वो डॉगी उसके सारे सिगरेट खराब कर देती है। धर्मा को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि ये डॉगी उसे कितना ज्यादा प्यार करती है, तो वो स्मोकिंग छोड़ देता है। धीरे धीरे धर्मा काफी ज्यादा खुश रहने लगा था। उसके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल दिखती थी। अपने फैमिली को खोने के बाद ये डॉगी ही उसका फैमिली बन चुका था। पर कुछ ही दिनों में एक फैमिली उसे अडॉप्ट करने आ जाते हैं। इस बार धर्मा का मन नहीं था कि उसे कोई भी उसके पास से लेके जाए, पर अडॉप्शन के लिए रिक्वेस्ट तो उसने खुद ही डाली थी, तो वो नहीं रोक पाते। वो फैमिली वाले उस डॉगी को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। न्यू घर पर जाके वो डॉगी बहुत ज्यादा बदमाशी करता है और घर की चीजें तोड़ने लगता है, जिसके कारण वो लोग धर्मा को कॉल करके उसे वापस ले जाने के लिए कहते हैं। धर्मा काफी खुश होता है और वो उसे अपने साथ ले आता है। कोई भी हालत में उस डॉगी को खोना नहीं चाहता था। वो उस छोटी सी बच्ची के साथ मिलके उस डॉगी का अच्छे से ख्याल रखने लगा था। साथ ही साथ वो अपने घर के सारे बिखरे हुए सामानों को भी सजा के रखने लगा था। उसका घर अब घर जैसा दिखता था। धर्मा जब भी टीवी देखता था, तो वो चार्ली चैपलिन के शोज देखता था। वहीं से वो अपने डॉगी का नाम 777 चार्ली रखता है, ताकि वो चार्ली को अपने साथ बाइक पे घुमा पाए। उसके लिए वो अपने बाइक को भी मॉडिफाई करता है।
धर्मा हमेशा दिखता था कि चार्ली आइसक्रीम का एड या कोई भी बर्फ की चीजों को देख के टीवी के सामने बहुत खेलता था। तो धर्मा को लगता है कि चार्ली को शायद आइसक्रीम खाना होगा। एक दिन काम से लौटते वक्त वो चार्ली के लिए आइसक्रीम ले आता है, पर घर पहुँच के देखता है कि चार्ली की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है। वो उसे लेके उसी डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि चार्ली को कैंसर है और ये उसका फाइनल स्टेज है। चार्ली के वेंस में छोटे छोटे क्लॉट्स हो गए थे, जो कि जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ही होता है, और ये सब के पीछे का कारण डॉग्स के इनब्रीडिंग है। इस टाइम अगर चार्ली को केमो दिया जाए तो वो उस दर्द को सहन नहीं कर पाएगी। तो जब तक चार्ली इस दुनिया में है, तब तक धर्मा उसे सभी खुशी ला के देना चाहता था। वो घर जाके परेशान होके फिर से स्मोकिंग करने जाता है, पर चार्ली उसे तब भी रोक लेती है। यही पर धर्मा को समझ आता है कि चार्ली जो स्नो को देख के खेलने लगती है, एक्चुअल में उसे स्नो में जाना है, ना कि उसे आइसक्रीम खाना है। तो वो देरी ना करते हुए थोड़े से पैसे लेके चार्ली को साथ में लेके उसके सपने पूरा करने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो उस दुकान पर भी जाता है जहाँ से वो खाना लाता था। धर्मा ने देखा था कि वो बुजुर्ग आदमी ठीक से चल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए धर्मा ने एक स्टिक खरीदा था। जब वो उन्हें देने जाते हैं, उससे पहले ही देखते हैं कि उन लोगों ने एक स्टिक ऑलरेडी खरीद ली है, तो वो उन्हें शुक्रिया बोल के वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा तो मूवी के स्टार्टिंग में धर्मा नहीं था। चार्ली के आने से उसके लाइफ में खोए हुए सारे खुशी वापस आए थे। ये लोग हिमाचल तक पहुँचने का एक लंबी सफर में निकल चुके थे। उसी टाइम धर्मा को वो वेट एक वीडियो भेजता है, जो वीडियो चार्ली का था। वहाँ पर हम देखते हैं कि एक ब्रीडर चार्ली को फोर्सफुली कोई इंजेक्शन दे रहा है। वेट कहता है कि उसके पास उस ब्रीडर का एड्रेस भी है। ये वही ब्रीडर होता है जहाँ से चार्ली भाग के आया था। धर्मा चार्ली को लेके उस ब्रीडर के एड्रेस तक पहुँचता है। वहाँ पहुँचते ही चार्ली उस घर में घुसने से डरने लगती है। धर्मा वहाँ उस ब्रीडर की अच्छे से धुलाई करता है, फिर उसे जमीन में ही पूरा गाड़ देता है जब तक कि पुलिस आके उसे अरेस्ट ना करे। वहाँ से वो एनिमल वेलफेयर टीम को भी कॉल करता है। वो लोग आके सारे डॉग्स को रेस्क्यू करके ले जाते हैं। इधर दूसरी ओर हम देविका को देखते हैं, जो कि चार्ली का हालचाल देखने के लिए धर्मा के घर आई हुई होती है। वहाँ पर धर्मा को ना देख के वो परेशान होने लगती है। ऊपर से धर्मा के पड़ोस का एक लड़का उसके खिलाफ अनाप शनाप बोलता है। देविका पहले से ही चार्ली के लिए वॉरिड थी, सो उसने पहले ही चार्ली के बॉडी में एक ट्रैकर लगा दिया था जब वो पहले चेकअप के लिए आई थी। वो उस ट्रैकर पर चार्ली का लोकेशन ट्रैक कर लेती है। उनका लास्ट लोकेशन उसी ब्रीडर का घर होता है। जब तक देविका वहाँ पर पहुँचती है, तब तक वो दोनों वहाँ से निकल चुके थे। देविका को कुछ भी सच्चाई नहीं पता होता है। उसे लगता है कि धर्मा इस ब्रीडर के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो फिर से उन दोनों को ढूंढने निकल जाती है। इधर धर्मा को कोई भी होटल में स्टे नहीं मिल रहा था चार्ली के कारण, तो वो एक अंधे आदमी बनने का एक्टिंग करता है, जिससे उन्हें एक होटल में रहने का मिल जाता है। वहाँ पर चार्ली के बदमाशी के कारण एक पुलिस वाले उन दोनों को पकड़ लेते हैं। उसे पुलिस स्टेशन में ट्रैक करते हुए देविका भी आती है। वो वहाँ पहुँच के पुलिस वालों को कहती है कि वो डॉग मेरी है और उस आदमी ने उसे किडनैप किया है। इधर क्योंकि चार्ली ने पुलिस वाले के जीप का कांच तोड़ दिया था, और चार्ली के ओनर होने के नाते वो पुलिस वाले देविका से फाइन मांग लेते हैं। पुलिस वाला धर्मा को बेगुनाह समझ के उसे जाने देते हैं, पर धर्मा इशारा करके चार्ली को पुलिस वाले के पीछे ही लगा देता है, जिससे वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। धर्मा जब उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो देविका कहती है कि मेरा काम है एनिमल्स का सेफ्टी देखना। फिर वो उन्हीं के ही साथ उन्हीं के बाइक में बैठ जाती है। तभी देविका के पास उसके टीम का कॉल आता है, और उसे पता चलता है कि एक्चुअल में धर्मा ने ही उस ब्रीडर को पकड़ाया है। यहाँ पर देविका ये चीज भी महसूस करती है कि चार्ली और धर्मा के बीच की बॉन्डिंग काफी अनोखी है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वहीं पर पैराग्लाइडिंग देख के चार्ली उछलने लगती है। धर्मा को अपने पास्ट के कारण ऊंचाई से काफी डर लगता था, पर वो चार्ली के खुशी के लिए ये भी करने को राजी था, जिससे वो अपने डर को भी जीत लेता है। एक दिन धर्मा नोटिस करता है कि चार्ली अपने बॉडी को बहुत ही ज्यादा लीक कर रही है। तो जैसे धर्मा उसके बॉडी के जैकेट को उतारता है, तो देखता है कि उसके बॉडी में इन्फेक्शन हो चुके हैं। ये देख देविका धर्मा पर गुस्सा दिखाती है। उसे लगता है कि उसके खान पीन सही ना होने के कारण ये सब हुआ है। पर जब धर्मा उसे चार्ली का रिपोर्ट दिखाता है, तो उसे भी पता चलता है कि चार्ली को कैंसर है। ताकि चार्ली के बॉडी के इन्फेक्शन को रोका जाए, इसके लिए देविका चार्ली का ध्यान रखने लगती है।
ये सफर काफी लंबा था, तो बीच रास्ते में ही देवी का कुछ मैगजीन वालों को धर्मा और चार्ली के स्टोरी के बारे में बता देती है। वो ट्रैवल मैगजीन वाले आके धर्मा का इंटरव्यू लेते हैं और देवी का उन्हीं के साथ अपने काम पर वापस लौट जाती है। धर्मा के पास पैसे खत्म होने लगे थे, उसके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है तो वही चेकिंग करने लगता है। काफी देर तक रुकने के बाद फाइनली उसे एक आदमी देखता है, वो खुद भी एक डॉग लवर था और उसके पास भी एक चार्ली के जैसा ही लैब्राडोर था। वो आदमी धर्मा और चार्ली को अपने घर तक ले जाता है। इसकी कहानी भी थोड़ी बहुत धर्मा के जैसा था, जो कि बहुत ही ज्यादा अकेला हो गया था जब उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी। अब वो अपने डॉगी को ही अपना फैमिली मानता है। चार्ली को भी यहाँ पर उसी का एक दोस्त मिला, तो वो यहाँ बहुत खेलती है। धर्मा इस आदमी के घर में कुछ दिन रहता है, फिर वो अपना सफर पूरा करने निकल जाता है। जाने से पहले वो आदमी धर्मा को एक डॉग शो में पार्टिसिपेट करने का कार्ड देता है। ये डॉग शो इंडिया का काफी बड़ा डॉग शो था, जहाँ पर इंटरनेशनल लोग भी आए हुए थे। धर्मा चार्ली को लेकर उस शो में जाता है, जिस शो में जज बन के देविका आई थी। यहाँ पर सभी डॉग अपने खेल का बेहतरीन प्रदर्शन करता है। इसके बाद बारी आती है चार्ली की। चार्ली यहाँ धर्मा के बातों को नहीं सुनती है और इधर उधर उछलने लगती है। चार्ली में डिसिप्लिन ना देख वो जॉर्ज धर्मा पर ही गुस्सा दिखाते हैं और उन्हें टाइम वेस्ट ना करने को कहते हैं। यहाँ पर धर्मा चार्ली पर गुस्सा दिखाता है और उससे बात नहीं करता, साइड में जाके बैठ जाता है। चार्ली ये चीज समझ जाती है तो वो उसे मनाने लगती है। धर्मा जितना ज्यादा उससे रूठ रहा था, वो उसे उतना ज्यादा मना रही थी। इन दोनों का परफॉर्मेंस अब तक के डॉग शो के परफॉर्मेंस से काफी अलग था। चार्ली बीमार है तब भी उसे चैलेंज करने के लिए धर्मा एक बैरिकेड के स्टिक को ऊपर तक लगा देता है। चार्ली नहीं डरती है, वही से छलांग लगा के वो धर्मा के पास आके उसे हग कर लेती है। इन दोनों के जीवन का मकसद सेम था और ये दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। बहुत खुशी खुशी ये दोनों इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। यहाँ पर धर्मा कहता है कि उसने हमेशा से जिंदगी को अलग नजर से देखा था, पर जैसे चार्ली मिली और बाहर वो निकला तो उसे जिंदगी का असल सफर के बारे में पता चला कि ये जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इनके पास पैसा नहीं होता है तो ये लोग टेंट पर रहने लगते हैं, पर एक दिन बहुत बारिश के कारण इनकी टेंट टूट जाती है, तो धर्मा चार्ली को लेके एक अबंडन बस में रहने लगता है। धीरे धीरे ये दोनों फुटपाथ पे भी सोने लगते हैं। धर्मा अपने कंपनी पर कॉल लगा के कुछ पैसे मांगता है, पर वो कंपनी वाले उसका कोई भी मदद नहीं करते और ऊपर से उसका फोन भी बंद हो जाता है। चार्ली और धर्मा ने 2-3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, तो धर्मा एक दुकान पर जाके उस फोन को गिरवी रख के कुछ खाना मांगता है। ये बात जान के वो दुकानदार उन दोनों को फ्री में खिलाते हैं। कितना अच्छा लगता है जब हम अपने जीवन में ऐसे लोगों से मिलते हैं, तब ये अनजान होके भी अपने जैसे लगते हैं। थोड़े से पैसे के बदले धर्मा अपने बाइक को भी बेच देता है। चार्ली को उस बाइक से बहुत ज्यादा प्यार था, वो खुश तो नहीं होती पर धर्मा उसे मना लेता है, क्योंकि धर्मा का गोल था कि चार्ली के सपने को पूरा करना है। इस जर्नी में धर्मा चार्ली को गांव के कुछ तंत्र मंत्र करने वाले औरतों को भी दिखाते हैं। वो लोग चार्ली के इन्फेक्शन पर जड़ी बूटी लगा के उसका ट्रीटमेंट करते हैं। चार्ली की हालत अब खराब होने लगी थी। यहीं पर धर्मा को पता चलता है कि चार्ली प्रेग्नेंट है, पर शायद ये बच्चे जिंदा नहीं बच पाएंगे क्योंकि चार्ली इतना सफर नहीं कर पाएगी। चार्ली को खोने के डर से धर्मा बहुत ज्यादा रोता है। धीरे धीरे ये लोग पहाड़ों में बसे हिमाचल तक पहुँच जाते हैं। अब इंतजार था तो सिर्फ बर्फ का। धर्मा चार्ली से लास्ट बार एक सवाल पूछता है, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो चार्ली? चार्ली बेजुबान है, पर उसे अपना प्यार समझाना आता है। वो तुरंत धर्मा को गले लगा लेती है। धीरे धीरे चार्ली खून की उल्टी करने लगती है। उन्हें बस से दूर में बर्फ दिखता है, पर लैंडस्लाइड के कारण वहाँ के आर्मी वाले उन लोगों को आगे जाने नहीं देते। चार्ली के पास ज्यादा समय नहीं बचा था, तो धर्मा उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है, पर वो लोग नहीं समझ पाते। वहीं पर उन आर्मी वालों का एक सीनियर ऑफिसर आते हैं। वो धर्मा और चार्ली को देखते ही अपने साथ अपने केबिन पर ले जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि उन्होंने इन दोनों का मैगजीन पढ़ा है और उन्हें बहुत अच्छा लगा है। उस ट्रैवल मैगजीन वालों ने उनकी स्टोरी छपवा दी थी। इनके कहानी को पूरे दुनिया भर के लोगों का प्यार मिलता है। वो ऑफिसर धर्मा के लिए कहते हैं कि कल उनके आर्मी का एक कार ही कश्मीर की ओर जाने वाली है, तो धर्मा चार्ली को लेके वहाँ चला जाए, वहाँ से भी वो बर्फ देख सकता है।
पर चार्ली के अंदर इतनी जान नहीं थी कि वो ये सफर पूरा कर पाए। तो धर्मा चार्ली को लेके छुपते हुए बर्फों में चला जाता है। फाइनली वहाँ स्नोफॉल होने लगती है और ये दोनों अपने मंजिल तक भी पहुँच चुके थे। अपनी परेशानी, बीमारी सब कुछ भुला के ये दोनों बर्फों में खेलने लगते हैं। यहाँ पर इन दोनों को हर एक पल का एहसास होता है। चार्ली बहुत खुश लग रही थी तो धर्मा रात को वापस चार्ली को लेके आता है और कहता है कि कल हम वापस घर जाएंगे। पर अगली सुबह जैसे धर्मा की नींद खुलती है तो उसके पास में चार्ली नहीं होती है। वो उसे हर तरफ ढूंढने लगता है पर वो कहीं नहीं दिख रही थी। वो समझ जाता है कि चार्ली शायद बर्फों की ओर गई है। वो उसे ढूंढते हुए उसी तरफ जाता है जहाँ उसे बर्फों में चार्ली के फुटप्रिंट्स दिखते हैं। बर्फों के बीच एक मंदिर में उसे चार्ली मिलता है जहाँ पर चार्ली अपने आखिरी सांसें गिन रही थी। चार्ली उठ के कैसे भी करके अपने दोनों हाथों को धर्मा के सामने रखती है जैसे कि वो इन सब कुछ के लिए धर्मा को थैंक यू कह रही है। मूवी का ये पार्ट काफी ज्यादा इमोशनल है। धर्मा उसे तुरंत गले लगा लेता है तो चार्ली इस दुनिया को छोड़ के हमेशा के लिए चली जाती है। शायद हमें कभी भी इतना प्यार और ईमानदारी महसूस करने को नहीं मिलती अगर हमारे आसपास ये एनिमल्स या पेट्स नहीं होते। धर्मा के रोने की आवाज पहाड़ों में गूंज रही होती है। तभी धर्मा को मंदिर के अंदर से एक आवाज सुनाई देता है। जब वो इसके अंदर जाता है तो वो देखता है वहाँ पर एक छोटा सा चार्ली है। जाने से पहले चार्ली ने धर्मा के प्यार को समझा और उसके लिए गिफ्ट छोड़ के गई। उसे पाके धर्मा बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने घर वापस आता है। घर वापस आके धर्मा चार्ली के नाम से एक एनिमल रेस्क्यू सेंटर खोलता है और दुनिया के लिए एक मैसेज छोड़ता है। ना जाने चार्ली जैसे कितने बेसहारे एक घर की तलाश में इधर उधर घूम रहे होते हैं। अपने दिल का दरवाजा इनके लिए खोलकर हम भी कलयुग के धर्मराज बन सकते हैं। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। मूवी के एंडिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि छोटा चार्ली भी बड़ा हो चुका है और उसके हरकत भी चार्ली जैसे ही है। धर्मा उसके साथ बहुत ज्यादा खुश है। आशा करते हैं आपको धर्मा और चार्ली की ये अनोखी कहानी अच्छी लगी हो। मूवी के अंत में मैं करण राज सर और उनके होल टीम को इतनी बेहतरीन मूवी बनाने के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ। साथ ही साथ इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।